नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। नवरत्नगढ़ की खुदाई में मिला राजा का खुफिया महल। पुरातत्व विभाग द्वारा वर्तमान में मिट्टी में दबे राज दरबारी स्थल और रानी कुआं की खुदाई की जा रही है। गुमला से 30 किलोमीटर दूर सिसई के नगर गांव में स्थित है प्राचीन नवरत्नगढ़। राजा ने मुगल सम्राट से बचने के लिए स्थापित की थी अपनी राजधानी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। गुमला से 30 किलोमीटर दूर सिसई प्रखंड के नगर गांव स्थित में नवरत्नगढ़ की खुदाई में जमीन के नीचे खुफिया महल मिला है। पुरातत्व विभाग ने अभी 5 फीट तक खुदाई कर ली है, जिसमें भवन की छत और अभी दरवाजा मिला है। इस महल का निर्माण राजा दुर्गंधसाल ने करवाया था। संभावना जताई जा रही है कि मुगल सम्राट से बचने के लिए राजा दुर्गंधसाल ने जब सिसई में अपनी राजधानी नवरत्नगढ़ की स्थापना की थी, तो उस समय उन्होंने बचने के लिए जमीन के अंदर खुफिया भवन का निर्माण कराया था। संभावना है कि सुरक्षा को लेकर या फिर बेशकीमती हीरा मोती रखने के लिए खुफिया भवन बनाया गया होगा। जमीन की खुदाई में भवन के अंदर खुफिया रास्ता भी मिल रहा है और फिलहाल उसकी खुदाई जारी है। ऐसी संभावना है कि यह रास्ता राजा और रानी के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर आने जाने के लिए बना होगा। पुरातत्व विभाग द्वारा वर्तमान में मिट्टी में दबे राज दरबारी स्थल और रानी कुआं की खुदाई की जा रही है। साथ ही रानी तालाब की सफाई और बाउंड्री का कार्य हो रहा है। राज दरबारी महल की खुदाई की शुरुआत में ही महल के 2 मंजिला होने का अनुमान लगाया जा रहा है। नवरत्नगढ़ की खुदाई में करीब 50 कर्मी लगे हुए हैं। पुरातत्व विभाग रांची के सहायक डॉक्टर अजर साबिर जी परिहार और टेक्नीशियन शुभम कुमार के अलावा वीडियोग्राफी करने वाली टीम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग रांची के अधीक्षक पुरातत्वविद डॉक्टर शिव कुमार भगत को आचार्य राम नारायण दास के द्वारा वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ पूजा अर्चना के साथ कुदाल चलाकर शुभारंभ हो चुकी है। इस मौके पर एसके भगत ने बताया कि खुदाई भारतीय पुरातत्व विभाग रांची अंचल द्वारा हो रहा है। 15 दिसंबर से प्रारंभ यह कार्य 31 मार्च 2022 तक किया जाएगा। इसमें रानी लुकवाइर, रानी तालाब, बावली मठ, कमल शाही मंदिर, बाउंड्री क्षेत्र शामिल है। इस अवसर पर सहायक पुरातत्वविद डॉक्टर अजहर साबिर, संरक्षक सहायक महावीर कुमार, के झा, अभिषेक कुमार, पुरातत्व इंजीनियर रमेश कुमार, हैग्रीव परिहार, शुभम कुमार, समाज सेवी दामोदर सिंह, नवरत्न परिसर के गार्ड एवं कर्मी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि जिला गुमला मुख्यालय से 40 किलोमीटर सिसई प्रखंड अंतर्गत 10 किलोमीटर दूर सिसई बसिया पथ पर अवस्थित डोयसा नगर है। वर्तमान में इसे नगर गांव के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र कभी नागवंशियों का प्रशासनिक और सांस्कृतिक राजधानी रहा था। करीब 100 एकड़ में नवरत्नगढ़ और 3 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला डोयसा नगर अपने मौलिक सौंदर्य, अनूठे स्थापत्य और अभेद दुर्ग के कारण इसकी प्रसिद्ध दूर देशों में भी थी। नागवंश के 45वां राजा दुर्गंधसाल ने इस महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया था। वे हीरो का बड़े पाखी थे। नागवंशियों के इतिहास में महलों की कल्पना नहीं थी, लेकिन ग्वालियर के तत्कालीन शासक जहांगीर के सिपे सलार इब्राहिम खान ने लगान नहीं चुकाने के कारण 1615 ईस्वी में दुर्गंधसाल को बंदी बना लिया था। लेकिन हीरो का पारखी होने के कारण 12 साल के बाद जहांगीर ने इसे रिहा कर दिया। जहांगीर ने दुर्गंधसाल के साथ एक वास्तुकार को भेज दिया। इसी वास्तुकार ने दुर्गंधसाल को ग्वालियर के किले की तर्ज पर एक महल बनाने का सुझाव दिया।
इसे पूर्व नागवंशी राजा आम जनता से थोड़े से ही बड़े घरों में रहते थे। नागवंशियों की चौथी राजधानी रही इसी परिसर में एक 9 मंजिले किले का निर्माण कराया गया, जिसके हर मंजिल में 9-9 कमरे थे और चारों ओर से 9 खिड़कियों का निर्माण कराया गया। संभावना है कि इसी के कारण इस किले का नाम नवरत्नगढ़ पड़ा। 27 सितंबर 2019 में नवरत्नगढ़ किला मंदिर समूह को भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। वर्तमान में 8 सुरक्षा प्रहरी 24 घंटे तैनात रहते हैं एवं अब 20 दैनिक मजदूर खुदाई का काम कर रहे हैं। वर्तमान में एक तालाब की खुदाई एवं गिर चुके भवन की खुदाई में राजा का गुप्त दरवाजा मिला है। पुरातत्व विभाग के सहायक पुरातत्वविद डॉक्टर अजहर साबिर, सीनियर फोटोग्राफर कन्हैया कुमार, संरक्षक सहायक अभिषेक कुमार, MTS शुभम कुमार के देखरेख में खुदाई की जा रही है। डॉक्टर अजहर साबिर ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पूरे भारत में हर वर्ष लगभग 100 जगहों पर खुदाई की जाती है। ये मूलतः 2 तरह के होते हैं, पहला पुरातात्विक खुदाई और दूसरी साइंटिफिक क्लियरेंस। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से जो हमारा रांची मंडल है, रांची मंडल के की तरफ से ये खुदाई चल रही है। इसको साइंटिफिक क्लियरेंस कहते हैं और इसका प्रारंभ 15 दिसंबर को हुआ था। अभी ये 8वां दिन है तकरीबन जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा क्लियर अभी हमने खुदाई में तकरीबन 2-3% ही खुदाई किया है। तो जो भी अभी हमारे पास निकला है उसको हम अच्छी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये क्या चीज़ है, तो थोड़ा सा और हमें वेट करना होगा। 10 दिन के बाद जब और ज़्यादा हम खुदाई कर पाएंगे तो हम बता पाएंगे कि हाँ किस पोजिशन। अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रांची मंडल के द्वारा विगत इसी महीने में 15 तारीख से खुदाई का कार्यक्रम चालू है, जिसको हम लोग शुरू से देख पा रहे हैं। और आज से पहले जो ये सामने आप देख पा रहे हैं, जिसको हम लोग गाँव के बुजुर्गों से सुनते थे, बड़े बुजुर्ग से, कि ये जनता दरबार है, तहसील कचहरी है, लेकिन आज जब खुदाई हो रहा है तो क्या है उसके बारे में कुछ दीवाल और भी निकल रहा है, और जिसको हम लोग 1 तल्ला समझते थे 2 तल्ला निकल रहा है। तो देखने के बाद पता चल पाएगा, जब खुदाई हो जाएगा तब पता चल पाएगा कि ये क्या चीज़ है। और खुदाई होने से इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का इतिहास जो है उसके बारे में हम लोग को सही सही जानकारी मिल पाएगी। नवरत्नगढ़ में खुदाई हो रहा है, हम लोग को बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रखंड सिसई के नवरत्नगढ़ में साइंटिफिक क्लियरेंस की खुदाई की जा रही है, देखने में काफी दिलचस्प लग रही है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।